फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। आपको 2 मिनट के अंदर आपका वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स हमारे इस टेक्निकल वर्जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में दिए गए बेल आइकन को जो प्रेस करें। सबसे पहले फ्रेंड्स आप यहाँ पर गूगल ओपन कर लेंगे। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना हुआ है मैं वो आज आपको बता दूंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा फुल प्रोसेस। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। आप यहाँ पर लिख देंगे, ये वेबसाइट है, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से ले जा सकते हैं इजीली। NVSP.net, ठीक है, नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल्स, ठीक है। यहाँ पर इसे आप जैसे इस लिंक को आप जैसे आप यहाँ से क्लिक करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से हम, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ और यहाँ पर हम कर देते हैं इसको पेस्ट। तो इसको यहाँ पर आने के बाद यहाँ से क्लिक करते हैं, सीधे आपके पास एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा जहाँ पर इसका होम पेज आएगा। उस होम पेज पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपके पास अपना वोटर आई डी कार्ड खो गया तो उसे आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। सबसे पहले आपको ये सब कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर जाना है सर्च पर, दूसरे नंबर का ऑप्शन है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे कीजिएगा, आपका इजीली ये डाउनलोड हो जाएगा। उसमें ज़्यादा कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं जो डाउनलोड नहीं होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग वीडियो भी बना रखा है, इसके बारे में वीडियो बना रखा है। यहाँ पर विवरण द्वारा खोजें, बिना आप रजिस्ट्रेशन जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके द्वारा भी आप, बिना आपका जो EPS नंबर है उसके द्वारा भी आप खोज सकते हैं। उसके लिए मैंने एक पहले से वीडियो बनाया, आई बटन पर देख सकते हैं आप। और यहाँ पर पहचान पत्र अगर खो गया आपके पास फोटो स्टेट है, उसके EPIC नंबर द्वारा भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप EPIC यहाँ पर अपना जो नंबर है वो आप डाल लेंगे। सो मैं यहाँ पर अपना EPIC नंबर डाल लेता हूँ, यहाँ पर बड़े में है तो हम इसे आप ROR, ठीक है, यहाँ पर डाल लेते हैं। उसके बाद 02 19 145, ठीक है, यहाँ पर स्टेट कर देते हैं कौन से स्टेट हैं आप उसको, आपको यहाँ पर डालना बहुत ज़रूरी है। तो हम अभी यहाँ पर हैं उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड कर लेंगे। कैप्चर कोड एंटर करना है, बड़े में है O, फिर कर देना है आपको L, L एक्चुअली यहाँ पर छोटे में होगा, ठीक है, L, ठीक है, L एंड उसके बाद E, R बड़े में है, R1H, ठीक है। उसे यहाँ से खोजे में क्लिक कर देना है, जैसे ही खोजे में क्लिक करते हैं आप, आपके पास यहाँ पर एक नया पे नीचे देखने को मिल जाएगा, आपका एक्शन से लिखा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे EPCI नंबर आ जाएगा, उसके बाद नाम यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आप भी अपना यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जैसे आप इसे ओपन करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपका होम पेज आ जाता है, यहाँ पर आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसे कंट्रोल आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है, प्रिंट एंड इन्फॉर्मेशन, इसे इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करके आप अपने कहीं भी इसको लगा सकते हैं इजीली। आपका ये ऑनलाइन नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रोज वीडियो लेते आते हैं, तो आपको उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा, है ना। तो थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू।